हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं करने वाली हूँ एक फन चैलेंज वीडियो। सो मैं करने वाली हूँ लेफ्ट हैंड मेकअप चैलेंज। आप देख सकते हो, ये है मेरा लेफ्ट हैंड, ये है मेरा राइट हैंड। तो मैं अपने लेफ्ट हैंड से आज पूरा मेकअप करूंगी, अपने मेकअप को कंप्लीट करूंगी। एंड गाइज, ये मेकअप कैसा होता है ये तो आपको लास्ट में पता चलेगा। सो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। एंड मैं इस तरह का चैलेंज पहली बार कर रही हूँ। सो देखते हैं मैं पास होती हूँ या फेल होती हूँ। सो अगर ये वीडियो आप एंजॉय करते हो तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। एंड गाइज, इसके बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट करना बिल्कुल ना भूले, वरना मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं मैंने अपने चैलेंज को कैसे कम्प्लीट किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे तो शुरुआत में ही गलती हो गई, मैंने यहाँ यूज कर लिया है अपना राइट हैंड। कोई नहीं, आगे पूरी पिक्चर तो भी बाकी ही है, सो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देन मैंने लिया है यहाँ बटन वाइल का फाउंडेशन। एंड चलो, यहाँ थोड़ा मेरा दिमाग सही चला एंड मैंने यहाँ अपना लेफ्ट हैंड ही यूज किया है। सो अब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस फाउंडेशन ब्रश। एंड गाइस, बहुत प्रॉब्लम होती है लेफ्ट हैंड से ब्लेंड करने में। आप ठीक है, ऐसा लगता है कि इस हैंड में एनर्जी ही नहीं है एंड कहीं कहीं पे तो बैलेंस ही नहीं बन पाता कि मतलब किस तरह से ब्लेंड करे, किस तरह से हैंड को रखे कि ब्लेंड हो, बहुत प्रॉब्लम होती है। बट कोई ना, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। सो मैं अच्छे से अपने फेस को घस रही हूँ ताकि मेरा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। एक्चुअली लेफ्ट हैंड से तो घसना ही होता है। तो देख सकते हो मैं कैसे घस रही हूँ अपने फेस पे। कोई ना, ब्लेंड तो अच्छे से हो गया है मेरा फाउंडेशन। तो मैं थोड़ा थोड़ा अपने नेक पे भी घस लेती हूँ। सो अब हम यूज करेंगे कंसीलर एंड दिस इज फ्रॉम सिस ब्यूटी। तो इसे भी मैं अपने लेफ्ट हैंड से लगा ले रही हूँ। मैंने अपने सारे पॉइंट्स पे लगा लिया है। मैं एक स्मॉल स्पंज लेके इसे ब्लेंड कर रही हूँ। सो यहाँ तो अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा था, उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट फिर भी यार, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं फिर भी कोशिश करते हुए इसे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। आप देख सकते हो। एंड गाइस, पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ब्लेंड कर रहे हो। मैं जिस तरफ भी ब्लेंड कर रही हूँ अपने राइट साइड, उस तरफ ज्यादा प्रॉब्लम होती है ब्लेंड करने में। तो चलो, ये भी हो गया। अब बात आती है कॉम्पैक्ट की। तो मैंने यहाँ लिया है ये मेबिलिन का कॉम्पैक्ट एंड ये तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छे से हो जा रहा है। सबसे ज्यादा पता है प्रॉब्लम होती है आपको ब्रश पकड़ने में। आप राइट हैंड की तरह ब्रश को नहीं पकड़ पाते हो। Then हम करेंगे कॉन्टोरिंग। मैंने यहाँ ब्राउन शेड लिया है एंड देखते हैं अब कॉन्टोरिंग कैसे होती है। या ये कौन सी ब्लेंडिंग है यार? सीरियसली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी ब्लेंडिंग होती है। ठीक ठाक से हो जाए, बस यही बहुत है। लूज कॉन्टोरिंग तो अच्छे से हो जाएगी, मुझे उम्मीद है। सो या, देन
जब हम यूज करेंगे ब्लश तो उसे मैं अच्छे से चीक्स पे लगा लूंगी। सो एक साइड तो फिर भी अच्छे से लग चुका है, एक साइड थोड़ा ज्यादा लग गया। अब देख रहे हो चीक के पास, एंड इस साइड अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होता। सो अब मैं अपने आईलिड को कंसील कर ले रही हूँ। एंड जब अपने आईलिड को अच्छे से आप जब ब्लेंड कर रहे हो कंसीलर पर, तो ऐसा लगता है कि आपका आँख ही दबा जा रहा है, बहुत मतलब दर्द जैसा होता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है लेफ्ट हैंड से। सो देन मैं यहाँ एक पीची शेड ले रही हूँ एंड अपनी क्रीज में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड आप देख रहे हो कितने गंदे तरीके से ब्लेंड हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं आई मेकअप कम और पेंटिंग ज़्यादा कर रही हूँ। क्या कर सकते, ऑप्शन भी है। देख रहे हो ब्लेंडिंग हो ही नहीं पा रही है। देन मैं ये सिस ब्यूटी का मेटालिक आई शेडो ले रही हूँ इन शेड 03। तो इसे मैं अपने सिर्फ मिडिल ऑफ आईलिड पे लगाऊंगी अच्छे से। एंड ये तो अच्छे से लग गई साइज पे। अब मैं यूज कर रही हूँ लोटस का मस्कारा, एंड ये तो इजी लगता है। या बस आपको हल्का सा बड़ा करो और ये लग गया। देन हम अब अपने आईब्रो को फिल करेंगे। अभी तक तो ठीक से हो रहा है, हो ही गया रहा है। हल्का सा रंग हो जो लग गया सो लग गया। तो यह आईब्रो भी हमारा फिल हो गया है जैसे तैसे। अब मैं स्प्रे कर रही हूँ अपने फेस पे ये रोज ग्लो टोनर। देन मैं यूज कर रही हूँ ये बटर ऑयल का हाइलाइटर। अच्छे से ही लग रहा है, इसमें भी कोई खास इश्यू नहीं हो रहा मुझे। देन मैं यूज कर रही हूँ एल्किन की ये लिपस्टिक इन द शेड डार्क पीच। सो इसे भी मैं बहुत ध्यान से लगा रही हूँ ताकि इधर उधर ना निकल जाए।
अभी हल्की हल्की तो निकल ही रही यार। कोई नहीं से मैं क्लीन कर ले रही हूँ। मैं हल्का सा पीछे एंड ब्राउन शेड लेके अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा लोअर लैश लाइन बहुत खाली सा लग रहा था, तो इसलिए देन मैंने अपनी बिंदी लगा ली है छोटी सी। एंड यार दिस इज माय फाइनल लुक। ये मैंने अपने लेफ्ट हैंड से ये लुक क्रिएट किया है। गाइस आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है, एंड आप इस लुक को 10 में से कितने आप रेट देते हो। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।